स्थानीय स्तर पर देख लो तुम्हें जो करना होगा, ये ज्यादा से ज्यादा प्रयास हुआ है। इसी तरह गरोठा में एक एडीजे कोर्ट और एक सीनियर डिवीजन अपर की स्थापना, बिल्डिंग तैयार है और न्यायिक अधिकारियों के लिए और स्टाफ के लिए पद सृजन की कार्रवाई पूरी हो गई है और हमें लगता है जल्दी जल्दी वहाँ दोनों कोर्टों की स्थापना हो जाएगी। और जो गरीब व्यक्ति को एक दिन पहले चलकर झांसी तारीख के लिए आना पड़ता तो उसका समय बर्बाद होता था और पैसा बर्बाद होता था, और इसके लिए उसे गरोठा में ही जो गरोठा सर्किल है, चाहे गुरसराय थाना हो, एरज थाना हो, ककरवई थाना हो, उस सर्किल के जितने भी थाने हैं उन सभी वादकारियों को वहाँ पर झांसी नहीं आना पड़ेगा, उन्हें वहीं गरोठा में ही जो न्याय की प्रतीक्षा में या झांसी आते थे और समय बर्बाद करते, लेकिन अब गरोठा में ही उन्हें जल्दी न्याय मिलेगा, तुरंत न्याय मिलेगा। और ये सरकार ने और सरकार से अपन ने लगातार पिछले वर्षों में प्रयास किया और आज हम कह सकते हैं योगी सरकार ने बहुत बड़ी सफलता गरोठा क्षेत्र के लिए हुई है। ये चूंकि न्यायालय हाई कोर्ट का माननीय हाई कोर्ट का होता है और वहाँ के जो रजिस्ट्रार होते उनके द्वारा ये प्रक्रिया पूरे प्रदेश भर में चलाई जाती है और हम समझते उनके पास भी पहुँच गया और अपन भी जल्दी जल्दी चाह रहे कि जल्दी वहाँ कोर्ट प्रारंभ हो जाए। वो चूँकि न्यायिक अधिकारियों करना है और जल्दी ही होगा, चूँकि जो लेकिन शासन स्तर पर एक काम होना था वो पूरा हो गया। अब हाई कोर्ट का पेंडिंग है, अरे वो तो एक प्रोसेस।